welcome or welcome back everyone this is prem kumar ask topic what i'm is interesting.

पेरेंट्स वगैरह को बुला सकते हैं कवर इन दिस वीडियो इन डिटेल्स के uh, क्या खर्चे होते हैं इज इट गुड फॉर फैमिली क्या आपको सपोर्ट you know, भी करना है बैग पर घर पे तो क्या वी विल टॉक अबाउट ऑल दो स्टफ एंड वी विल टॉक अबाउट के पेरेंट्स वगैरह की वीज़ा वगैरह भी होती है नहीं तो दिस वुड भी ऑल इन दिस वीडियो वीडियो में जाने से पहले आई जस्ट हाईलाइट के चैनल पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है बी एट सी ए बीट ए सी सी बीट सी एफ ए के बिग फोर अपने लोकल एक्सपीरियंसिस लॉर्ड ऑफ कंटेंट अभी तक की 200 सौ वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो यू कैन चेक दैट आउट इन डिफरेंट प्ले लिस्ट यू वुड बी फाइंडिंग अ लॉर्ड ऑफ गुड कंटेंट अच्छा आप बात करते हैं वापस टॉपिक पे देखो सेटलमेंट इन यू के यू के में पेरेंट्स के हवाले से पहले बात करूँगा दैन आल टॉक अबाउट यू नो वाइफ किड्स एक्सेट्रा यू नो हाउ दैट वर्कस आपका क्या खर्चा है क्या नहीं तो उस पर बाद में बात करेंगे अब पहले बात करें पेरेंट्स के हवाले से ठीक है तो यूके में कोई इस तरह के वीज़ा नहीं है कि आपने पेरेंट्स को पर्मानेटली बुला लो बेसिकली देर आर समीशन यू नो कोई एक बंदा है पेरेंट्स में से देट हेफ सपोर्ट यू नो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बिकॉज दे इज नो बड़ी टू टेक केयर ऑफ दैम एंड द स्टाफ तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ प्रूव करना पड़ेगा बट नॉर्मल सरकमस्टांसिस यू आर नॉट अलाउड टू यू नो ब्रिंग पेरेंट्स ऑन द वीज़ा उसके साथ यू नो बेसिकली फैमिली डिपेंडेंट बेसिकली अकाउंटेड चिल्ड्रेन या वाइफ या हसबेंड अगर वाइफ यहाँ पे है तो दो आर काउंटेड फैमिली उसी की स्पॉन्सरशिप होती है पेरेंट्स uh, की नहीं मिलती यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली तो यूके में इशू है दैट्स uh, इशू है बाकी अब कनाडा की हवाले से बात करें वी आर नॉट गोइंग ओवर देयर इन डिटेल्स बट वहाँ पे है सुपर वीज़ा वगैरह पेरेंट्स वगैरह के लिए तो समीफर कैनेडा एज वेल बिकॉज दे कैन देयर पेरेंट्स कैन कम ओवर देयर तो एक तो ये बात हो गई तो यहाँ पे जो पेरेंट्स लोग बुलाते हैं वो बुलाते हैं आपका विज़िट वीज़ा पे तो विज़िट वीज़ा मिल जाती है तीन से छः महीने की यू एंड देन नेक्स्ट टाइम फिर से आप अप्लाई करते हो तो फिर मे भी तीन साल पाँच साल की मिल जाए तो यहाँ पे छः महीने आप यू नो पेरेंट्स आ सकते हैं यहाँ पे एनी बड़ी यू नो छः महीने आए यहाँ पे फिर एग्जिट करना पड़ेगा एंड देन इफ़ द वीज़ा इज ऑफ लेट्स से फाइव ईयर्स तो छः महीने बाद एग्जिट करके देख कम अगेन तो इस तरह का सीन है यहाँ पे पेरेंट्स के हिसाब से तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव द पेरेंट्स कमिंग ओवर टाइम आते हैं जाते हैं एंड देन यू नो कोई कंटिन्यूसली रुक नहीं सकता दैट्स द प्रॉब्लम हेयर तो एक तो बात ही हो गई पेरेंट्स के हवाले से अब बात करेंगे एक्चुअली यू नो एज अ फैमिली आपकी सेटलमेंट यहाँ पे कैसे होगी यू नो क्या इज़ इट इज़ इट वर्थ वाइल इनफ के आप एज अ फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ एज अ सिंगल पर्सन एज लाइक आई एम हेयर तो मेरे लिए सही है ओके आई आई अर्न एंड देन आई स्पेंड एंड देन आई कैन सेव इट तो क्या फैमिली के साथ क्या आप सेव कर पाओगे क्योंकि जब कोई बाहर जाता है एक बड़ी मोटिवेशन होती है कि यू you नो know, एक फॉरेन करेंसी में अमाउंट मिलेगी एंड देन इफ आई कन्वर्ट टू माय लोकल करेंसी आई कैन सेव समथिंग एंड यू नो फॉर फ्यूचर एक्सेट्रा तो इस समथिंग पॉसिबल विद फैमिली एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे लोग सोचते हैं जब बाहर आने का सोचते हैं बिकॉज बहुत सारे ऑप्श होते हैं डेट से मिडल ईस्ट का ऑप्शन हो गया यूके हो गया बाकी जगहों पे तो मिडल ईस्ट हैज ए मोर मनी इसका कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो भी कम एंड दैन सेविंग इज मच हायर टैक्स भी नहीं है और यूके में कोई आता है ऑफकोर्स पासपोर्ट इज वन ऑफ द प्रिवेज हेयर आफ्टर समाइम आपको मिल जाता है बट क्या पैसा बचता है नहीं तो लोग ये भी सोचते हैं डेट्स वेयर आई थिंक वी विल टॉक अबाउट डिटेल्स अच्छा बात करें लंदन की पहले एंड बाकी सिटीज़ की कोई भी जॉब हो फर्म की जॉब हो इंडस्ट्री की जॉब हो छोटे शहरों में सैलरीज कम है लंदन में ज़्यादा हैं कोर्स बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है किसी भी यू नो शहर में कि यू नो आप बहुत पैसा बचा लें यूके जैसे कंट्री में सैलरी में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लेट्स से हमारे यहाँ किसी की सैलरी इतनी होगी और किसी की इतनी होगी तो यहाँ पे नॉर्मल कॉर्पोरेट इन्वर्म में इतना डिफरेंस होगा बिकॉज जब आपकी सैलरी बढ़ रही है तो उसके साथ टैक्सेशन रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं एंड में स्टार्टिंग में आपको अलाउंस मिलता है कोई दस ग्यारह हज़ार का टैक्स फ्री अलाउंस आफ्टर दैट ट्वेंटी परसेंट टैक्सेज अप्लाइड एंड देन इट गोज अप आई थिंक थर्टी या फोर्टी मे बी तो इतनी मेरी सैलरी नहीं बढ़ी जब मैं टैक्स आगे देखूँ बट इट गोस मच हायर जैसे सैलरी बढ़ती रहती है टैक्स बढ़ता रहता है तो आपकी इवन आप एक साल दो साल तीन साल आपका जो ग्रॉस इनकम बढ़ती रहेगी लेकिन आपकी टैक्स नेट ऑफ टैक्स इनकम ना इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो आपकी इनकम वही आ, मैं अभी डिटेल्स इनकम की नहीं दे रहा अपनी ऑफकोर्स इट्स जस्ट मेरी दो तीन वीडियोस बनी हुई हैं एवरेज सैलरी क्या है यू में डिफरेंट लेवल्स में फम के ऑडिटिंग डिपार्टमेंट्स में यू कैन चेक दैट मैं लिंक पोस्ट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में वेल लेट्स से नया मदा जो आ रहा है उसके लिए बात करते हैं एक ऑन एवरेज दे अर्न लेट्स थ्री थाउजेंड पर मंथ नेट ऑफ टैक्स अब तीन हज़ार पाउंड की बात करें अब एन विल टॉक अबाउट इंडिविजुअल एंड दैन विल टॉक अबाउट फैमिली बंदा इंडिविजुअल जो बंदा आएगा वो बंदा क्या करेगा तीन हज़ार पाउंड में से उसमें से उसको रेंट और जो ये आपका घर का खर्चा बेसिकली रेंट बिल्स एंड ऑल द स्टफ महंगाई इतनी हो गई यहाँ पर बात नहीं करो इसकी बट आपका आराम से इफ़ यू आर शेयरिंग विद समी यू नो टू बेड अपार्टमेंट ले लिया यूर शेयरिंग विद समबडी एल्स आपका आराम से हाउस के थ्रू बैठ जाए प्रॉब्ली फिफ्टीन हंड्रेड समथिंग यू शुड भी एक्सपेक्टिंग उसके बाद बिल फिल्स मिला के दो हज़ार की गेम तो हो गई आपका बिल्स में हो गया इलेक्ट्रिसिटी गैस इंटरनेट काउंसल टैक्स और भी कुछ हो गया तो दो हज़ार का गेम है हज़ार पर पर्सन तो गया आराम से हज़ार से बारह सौ पर पर्सन रेंट्स एंड ऑल दफ़ बाकी आप देख लो आना जाना ये वो आप बाहर कुछ खाओगे उस तरह बिल मिला के आधे से ज़्यादा पंद्रह सौ सत्रह सौ पाउंड का खर्चा तो आराम से सिंगल पर्सन हो जाता है पंद्रह पाउंड मिनिमम सिंगल पर्सन में आपके हो जाएंगे बेसिकली आधी सैलरी गई यहाँ पर बाकी आपका यू you नो know, और अगर आपको बहुत अच्छा लाइफ है और उससे अच्छा तो आपका और ज़्यादा खर्चा होगा तो सेविंग उससे कम होगी 1500 हंड्रेड इज प्रॉब्ली द मिनिमम साइड आई एम सेइंग उससे ज़्यादा ही खर्चा होगा तो आप इस तरह सोचें तो ये सेविंग है व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली ना यू नो जब आपकी वाइफ है एंड देन वी टॉक अबाउट किड्स एज वेल तो वहाँ पे क्या सीन होता है इफ़ हैव द वाइफ हेयर एंड देन आपको ऑफकोर्स अपना खर्चा ही होगा लेट से वन बेड लेते हो नॉट गोइंग ऑन टू बेड वन बेड ले रहे हो आप तो वन बेड का खर्चा जो होगा ना टू बेड आपको पड़ रहा था सोलह सत्रह सौ में ठीक है वन बेड वही चौदह तेरह सौ बारह चौदह सौ में इतने में पड़ेगा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है तो आपने वन बेड ले लिया ये तो ख़र्चा हो गया बिल फिल्म मिला के दो हज़ार का गेम तो यहीं पर हो गया ठीक है तो एक तो दो हज़ार हो गया फिर आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स पूरा घर खर का खर्चा होगा तो मिले मिला के आपके पास आखिर में कुछ खास बचेगा नहीं यहाँ पे बेसिकली फैमिली के हिसाब से वन परसेंट इज अर्निंग ओनली दो बंदे नो कपल में दोनों अर्न कर रहे हैं दैट दर्स गुड उसके बाद तो आपके पास थोड़ा बहुत बच जाएगा अदरवाइज इतना ज़्यादा बचेगा नहीं यहाँ पे ऐसे ऐसे कपल बिकॉज आपका खर्चा काफ़ी हो जाएगा Now, uh, ना लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल के टोटल खर्चा मैं गिनाता हूँ आपको अब uh, मैंने दो हज़ार की बात की कि भाई आपका जो है ना आ, घर का खर्चा हो गया ऑलमोस्ट दो हज़ार अठारह तो तो सौ दो हज़ार के करीब का कुछ करते हैं गेम उसके बाद आपका जो ग्रॉसरी वगैरह हो गई पर मंथ की प्रॉब्ली टू हंड्रेड टू फिफ्टी की आराम से ग्रॉसरी हो गई बाहर खाने चले गए डट से तीन चार बार भी चार पाँच बार भी महीने के अंदर मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपका डेढ़ दो सौ पाउंड उसके अलावा और भी चीज़ें चलती रहेंगी एंड दैन द खर्चा विल भी क्वाइट हाई है सैलरी मैंने बात की तीन हज़ार अगर पाउंड है तो उसके ही पहुँच गया पच्चीस आप लगा लो पाँच पाउंड बच गए मैक्स तो ये होगी बात अच्छा आप बात करते हैं बच्चों के सिलसिले में यू नो वैन वैन साँबड़ी हेयर तो उस टाइम पे आ, बच्चों का खर्चा कोर्स स्कूल स्कूल्स ऑफ आए स्कूल का इशू नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बट अगेन बाकी एक्सपेंसेस होते हैं एजुकेशन के वो होंगे उसके बाद नाउ द पॉइंट इज़ के इफ़ बोथ अर्निंग तो ऑफकोर्स दज नो बडी टू वॉच आउट व किट्स राइट तो यहाँ पे जो लोकल लोग करते हैं हमारे लोगों की बात नहीं करते लोकल लोग जो करते हैं दे आ, वो तो नैनीज एंड ऑल स्टफ जो हायर करते हैं तो वो आ, उनका जो खर्चा होता है ना वह भी उतार देगा बेसिकली देर वेरी एक्सपेंसिव जो ये हायर करते हैं डेली बेस पे कि भाई बच्चों को क्या रखें वैन वीर जॉब्स वेरी एक्सपेंसिव तो दूसरा केस ये है कि वन परसेंट डजन वर्क एंड दैन यू नो बच्चों के ख्याल रहें और अगेन वही इनकम पर इम्पैक्ट आता है तो इट्स क्वाइट क्वेट डिफिकल्ट इन बहुत केसेज़ कि आप कैसे मैनेज करो इसको इन द एंड खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती रहती है अच्छा इस, इस केस में चाइल्ड वगैरह में बेसिकली आपको टैक्स क्रेडिट्स भी मिलते हैं कुछ हद है तक ऑफकोर्स नॉट टू मच बट थोड़े से क्रे, टैक्स क्रेडिट भी हैं आपके लिए अवेलेबल Uh, तो उससे थोड़ी बचत हो जाती है तो ये आपका पैसा इतना ज़्यादा नहीं बचता सो so, uh, एक अगर इनकम है आपकी सैलरी की तो इट्स जस्ट रोन टू बी सफिशिएंट इट्स नॉट कि आप बहुत ज़्यादा कुछ बचा लोगे उसके अंदर नो इट्स जस्ट सफिशिएंट थोड़ा बहुत आपने बचा लिया आपने लिए uh, तो दैट्स दस ऑल यू कैन डू इन दैट परसपेक्टिव उसके बाद अगर बात करें कि भाई आप यू you नो know, uh, कोई एक बंद काम नहीं कर रहा तो देन देर आर टैक्स रिबेट्स बेसिकली तो ऐसा यू नो बेनिफिट्स इसको बोलते हैं ये इनिशियली आपके लिए अप्लाई नहीं होंगे सारे बेनिफिट्स बेसिकली यू आर यू नो चाइल्ड टैक्स चाइल्ड बेनिफिट हो गया तो अप्लाई हो जाएगा बट अंटिल यू गेट दी आई एल आर बेसिकली यहाँ की जो रेजिडेंसी है उस टाइम तक आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं होंगे यू कॉट यूज लॉट लॉट ऑफ पब्लिक फंड्स बेसिकली वो वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन होती है बट आफ्टर यू हैव द लोकल रेजिडेंस परमानेंट रेजिडेंस उसके बाद यू कैन हैव मोर बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर यू नो चाइल्ड केयर या हाउसिंग ऑल द स्टफ़ तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर आप लेवरेज ले सकते हो लेकिन फॉर फर्स्ट फाइव ईयर्स देर आर चैलेंजेस सेविंग वगैरह कम होगी काफ़ी बिकॉज दे आर देर बी एक्सपेंसिजोर्स सैलरी बढ़ती रहेगी बट एक्सपेंसिज भी बढ़ते रहेंगे इन्फ्लेशन के साथ दैट समथिंग यू शूड भी कंसिडरिंग तो इसी के साथ आई थिंक एन इम्पॉटेंट पॉइंट लिंक्स इनके आर आपकी इनकम mm -hmm. की सोर्स ना मल्टीपल होनी चाहिए नंबर वन सैलरीज बेसिकली सैलरीज अगर एक बंदे किए दो बंदे किए हैं वर्ल्ड वाइडेज दैट्स वन पार्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स वगैरह दैर सेट पार्ट नॉट गोइ्रूट ऑफ हेयर बट आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए हमेशा टू सपोर्ट इन लॉन्ग रन मेरी एक वीडियो बनी हुई है फिर डांसिंग पे इस पर तो आप वो देख सकते हो कि मैं उसमें क्या बात करता हूँ बट दिस इज इन दिस वीडियो तो एनी बडी हु इज स्पेसिकली थिंकिंग ऑफ कमिंग टू यू के तो वही देखो खर्चा है काफ़ी इट्स नॉट वन ऑफ दिस कंट्री जिसमें आप बहुत पैसा बचा के घर uh, भेज सकते हो अनलिट यू अर सिंगल अभी से मैं सिंगल हूँ आई कैन सेव समी उसके उसके बाद तेरा पीपल जो हैं कपल वगैरह हैं जो मैरिड है, है, उनके पास कम बचता है बेसिकली पैसा